नर्दबाने उर्दू सफ़ा नंबर 18। यहाँ पे टॉपिक क्या है? इस्म, फेल और हरूफ। आपको इस्म, फेल और हरूफ को अलग अलग समझाने का मतलब ये था कि आपको इनका फ़र्क भी पता लगे और जब आपसे जुमलों में इनको अलग अलग करने का कहा जाए तो वो भी आप बआसानी कर सकें। आपको मालूम हो कि कौन से जुमले में कौन सा लफ्ज़ इस्म है, कौन सा हर्फ है और कौन सा फेल है। अब जैसे कि ये पहला जुमला है, सलमा ने ख़त लिखा। इसमें सलमा क्या है? इस्म। इसमें ख़त क्या है? इस्म। इसमें ने क्या है? इसमें ने है हर्फ। और इसमें लिखा क्या है? फेल। तो सलमा हुआ है इस्म, ने है हर्फ, ख़त है इस्म और लिखा क्या है? फेल। लिखा एक्टिविटी है ना, तो लिखा क्या हुआ? फेल। जबकि जो दूसरा जुमला है उसमें है, दूसरा जुमला है फैसल बाज़ार से आम लाया। इसमें फैसल क्या है? इस्म। बाज़ार क्या है? इस्म। आम क्या है? इस्म। क्योंकि फैसल जो है वो शख्स का नाम है, बाज़ार जो है वो जगह है और आम क्या है? चीज़ है। तो किसी भी शख्स, चीज़ या जगह को या जगह के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। और इनको आपस में कंबाइन कौन सा लफ्ज़ कर रहा है? से। तो से क्या है? हर्फ। लाया क्या है? फेल। लाया एक्टिविटी है, काम है, तो लाया क्या है? फेल। इसी तरह तीसरा जुमला है, साकिब छत पर सोया। इसमें साकिब क्या है? इस्म। छत क्या है? इस्म। पर क्या है? हर्फ। सोया क्या है? फेल। क्योंकि सोया एक्टिविटी है, तो इस जुमले में साकिब और छत इस्म है, पर हर्फ है और सोया फेल है। अब आप देखें, अगर इस जुमले में सिर्फ ये लिखा हो साकिब छत सोया, पर ना हो, तो जुमला मुकम्मल नहीं होता। इससे पिछले जुमले में है फैसल बाज़ार से आम लाया। अगर लिखा हो फैसल बाज़ार आम लाया, तो बग़ैर हर्फ के ना तो बात मुकम्मल होगी और ना ही समझ में आएगी। इसी तरह पहले जुमले में सलमा ने ख़त लिखा, तो इसमें अगर हम ये बोलें सलमा ख़त लिखा, अगर हर्फ नहीं लगेगा तो जुमला ना तो मुकम्मल होगा और ना ही समझ में आएगा। तो इसके नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, ये आपने अपने होमवर्क में अपनी कॉपीज़ पे करनी है। तो बच्चों, आज हमने जो जो चीज़ें ग्रामर से रिलेटेड पढ़ी हैं उनकी एक्सरसाइजेस आपकी नर्दबाने उर्दू के सफ़ा नंबर 14, सफ़ा नंबर 15, सफ़ा नंबर 17, सफ़ा नंबर 18 और सफ़ा नंबर 19 पर मौजूद हैं। आपने ये तमाम एक्सरसाइजेस अपनी कॉपी पर होमवर्क में करनी है। प्रॉपर मार्जिन लाइंस होनी चाहिए, डेट और डे लाजमी मेंशन करना है। ये आपका आज का होमवर्क है, नर्दबाने उर्दू सफ़ा नंबर 14, 15, 17, 18 और 19। आपको जितनी भी ग्रामर आज पढ़ाई गई है उसकी एक्सरसाइजेस इन पेजेस में है। ये काम आप पहले भी कर चुके हैं, आज आपका रिवीजन डे था, इसके अंदर आपको पहले पढ़ाई हुई तमाम ग्रामर की रिवीजन करवाई गई है और आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड ही ये एक्सरसाइजेस हैं जो आपने अपनी उर्दू कॉपीज़ के ऊपर करनी है। और आपको अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ में ना आए, कोई चीज़ आपने पूछनी हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। आप एक दफ़ा पूछें, दो दफ़ा पूछें, जितनी मरतबा भी आप पूछेंगे मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, मैं आपको ज़रूर समझाऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़।